आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। जनाब आज की डेट है 26 में, डे है ट्यूसडे। मार्केट के ऊपर एज पर रूटीन अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, अपना व्यू शेयर करूँगा जो कि होगा 27 मई के लिए, वेडनेसडे के लिए। फिर समरी चेक करेंगे, उसके बाद चलेंगे चार्ट की तरफ। तो आपके सामने मैंने समरी ओपन की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने जो आज अपने क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,300 के पास की है। और मार्केट ने आज सेकेंड डे वीक के भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 203 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं जो कि बनता है 0.44%। मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 46,151 से दी थी, उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई टच किया 46,369 का मार्केट ने हाई टच किया, उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना लो टच किया जनाब वो 46,046 का किया। मार्केट के अंदर जो आज ट्रेड शेयर हुए हैं तकरीबन उनकी जो वॉल्यूम लगे हैं 224.82 मिलियंस के लगे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं, कल की निस्बत जो है हायर रहे हैं, तकरीबन जो है 25% हायर रहे हैं। तो जनाब वीक के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वो 277.01 मिलियन बनते हैं, लेकिन उससे लो जा रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर अभी काफ़ी इंक्रीमेंट की गुंजाइश है। तो जनाब कंपनीज़ की बात करें तो 53 कंपनीज़ अप रही हैं, 43 कंपनीज़ जो डाउन रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 4 कंपनीज़ रही हैं। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर वन पर जो आता है जनाब वो आता है HBL बैंक, जिसने 68.21 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है UBL बैंक का, जिसने 31.35 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी का, जिसने तकरीबन 30.92 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है DGKC सीमेंट का, जिसने तकरीबन जो है 21.24 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद ईफर्ड का नंबर आता है, फिर MEBL का सेक्टरा सेक्टरा। अगर टॉप डिक्लाइनर की बात की जाए तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर वन पे है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान, जिसने -26.77 डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है होप पावर का, जिसने -19.32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब मारी पेट्रोलियम का, जिसने -15.47 डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब फोर्थ नंबर पे TRG पाकिस्तान का, जिसने -29.64 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेक्टरा सेक्टरा सेक्टरा। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आप 10 कंपनीज का जो है ओपन इंटरेस्ट ओपन किया हुआ है 25 मई का, इसमें आप देख सकते हैं नंबर वन जो है वो है TRG पाकिस्तान पे यूनिटी है। इसके अलावा NRL तो जो फर्स्ट स्टेप है ना वो जो है वो मई कॉन्ट्रैक्ट का है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जून कॉन्ट्रैक्ट का। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो बन रहा है मई का -14.50% डिक्लाइन नज़र आया है। और अगर हम जून के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जनाब जून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तकरीबन जो है 83.2% इंक्रीमेंट नज़र आया है। तो जून के कॉन्ट्रैक्ट में 83.2% इंक्रीमेंट नज़र आया है, और जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 14.55% डिक्लाइन नज़र आया है। तो इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर जून के अंदर लॉन्ग पोजीशन डेवलप हो रही है, और 83.2% काफ़ी हाई रेशियो है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है DGKC का हुआ है, देख सकते हैं आप 162% जो इंक्रीज़ हुआ है, और DGKC की प्राइस भी हाई गई है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि DGKC के अंदर लॉन्ग पोजीशन डेवलप हो रही है। उसके बाद जो सेकंड नंबर आ रहा है जनाब इंक्रीमेंट के अंदर वो आ रहा है यूनिटी का, 93.3% नज़र आ रहा है जून के काउंटर के अंदर, तो प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, तो वो भी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद नंबर आता है जनाब नेटसोल का, नेटसोल के अंदर आज इंक्रीमेंट नज़र आया है, कल डिक्लाइन नज़र आया था लेकिन आज इंक्रीमेंट नज़र आया है जून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 34.8%, और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, तो नेटसोल के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी हम जो है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसकी सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट के बाद ही एडजस्टमेंट के बाद ही इसकी पोजीशन क्लियर होगी जो कि होगी नेक्स्ट वीक तक ट्यूसडे तक। तो
तो फिलहाल ओपन इंटरेस्ट को हम सिर्फ ऐसे रिव्यू ले रहे हैं, लेकिन अभी ओपन इंटरेस्ट जो है हमें सही पोजीशन तकरीबन आफ्टर एडजस्टमेंट और आफ्टर सेटलमेंट ही शो करेगा। तो अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो थ्री इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई है। जहां से कल मार्केट ने रिजेक्शन फेस की थी, आज वहीं पर ही क्लोजिंग दी है। एक अच्छा साइन है, मार्केट ने कल का जो हाई था उसको आज सस्टेन किया है। ऑलमोस्ट मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस 46,400 के आसपास ट्रेड कर रही है, उसको सस्टेन करने वाली है और यहाँ से ब्रेकआउट देने वाली है। तो इंडेक्स यहाँ से 46,400 को ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह इंडेक्स जो है 47,100 तक आएगा, और 47,100 के बाद इंडेक्स के बाद जो नेक्स्ट चैनल बनेगा वो बनेगा 50,000 तक का, जो कि मैं आपके साथ वीकली रिपोर्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। RSI की पोजीशन देख लेते हैं। RSI की पोजीशन भी अच्छी हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 61.54 लेवल हो रहा है RSI का, RSI भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ओवरऑल पोजीशन जो है इंडेक्स की वो इम्प्रूव हो रही है और कोई रिस्की बात नज़र नहीं आ रही है। तो आप भी मत घबराइएगा और अपनी पोजीशन लॉन्ग पर ही रखिएगा। तो अब कल जो है बड़ा मेजर डे है, कल इंशाल्लाह जो है मार्केट 46,400 को सस्टेन करेगी। तो उसके बाद जो इंशाल्लाह मार्केट पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 47,100 का होगा, उसके बाद जो है मार्केट न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो जाएगी, जहाँ से डायरेक्ट 50,000 तक जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब वो वही सपोर्ट लेवल है, और शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है जनाब वो बनती है 46,043 की। 46,043 की मार्केट के पास शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जनाब वो यहाँ बनता है तकरीबन 45,817 के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 45,500 की है। फिलहाल मार्केट स्टेबल है और मार्केट जो है अच्छी तरीके से बुलिश वे के अंदर मूव कर रही है। मुझे कल मार्केट जो है तकरीबन जो है 46,500 से लेके 600 की क्लोजिंग देती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 47,100 का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट की पोजीशन ओवरऑल बेहतर है, वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर आज 25% जो है इंक्रीमेंट नज़र आया है, वॉल्यूम अच्छे खासे लग रहे हैं। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा, कोई रिस्क की बात नज़र नहीं आ रही है। तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।